नमस्कार दोस्तों, आज अपने इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगी कि लेडीज़ जैकेट कैसे बनाई जाती है। ये मैंने एक बना रखी है, इसमें हमारे जो है ये तीन हिस्सों में बनती है। ये एक हिस्सा इसका ये पीछे होता है और ये दो हिस्से हमारे आगे होते हैं। और इसमें ये है, मैंने इसमें इसे बनाने के लिए ये फंदे डाल रखे हैं। ये मैंने टोटल जो है 58 जोड़, 116 फंदे। अगर आप इनको पेयर्स में, जोड़ों में काउंट करते हो तो ये 58 जोड़ हैं, और अगर आप इनको एक एक करके काउंट करते हो तो ये 116 फंदे हैं। ये 116 फंदे जो हैं हम अपने पीछे के हिस्से में जैकेट के डालेंगे, और जो आगे का हिस्सा होता है उसमें हम इससे आधे फंदे डालेंगे। ये मैंने इसमें डाल रखे हैं फंदे, और इसको जो हम बनाएंगे एक पहला फंदा हम बिना बुने उतारेंगे, उसके बाद एक फंदा उल्टा, एक सीधा और एक उल्टा। ये पूरा जो है बॉर्डर हम इसी तरह बनाएंगे, एक सीधा एक उल्टा, और इसमें जो पहला फंदा है हम वो बिना बुने उतारेंगे। ये पूरी सिलाई हम इसी तरह से बनाएंगे। ये बॉर्डर है, बॉर्डर में एक सीधा एक उल्टा, एक सीधा एक उल्टा, और ये 12 से 14 सिलाई का बॉर्डर होता है। बाकी अब किसी को बड़ा पसंद है तो वो ज़्यादा सिलाइयाँ डाल सकता है, किसी को छोटा पसंद है तो वो कम भी डाल सकता है। अगर आपको नई बॉर्डर चाहिए तो आप 2 सिलाई के बाद जो है अपना ऊपर जो है डिज़ाइन शुरू कर सकते हैं। ये मैं जो बना रही हूँ, मैं इसमें 12 सिलाई का बॉर्डर जो है वो बनाऊंगी, एक सीधा और एक उल्टा। इसमें टोटल 116 फंदे हैं पीछे के हिस्से में, और अगर आप चाहो तो साइज़ के हिसाब से ये जो फंदे हैं वो कम या ज़्यादा भी हो सकते हैं। अगर कोई ज़्यादा हेल्दी है तो उसके लिए ये फंदे ज़्यादा हो सकते हैं, अगर कोई कम हेल्दी है तो उसके लिए ये फंदे कम भी हो सकते हैं। लेकिन नॉर्मल जो है हम इनके जो ये लेडीज़ जैकेट के फंदे होते हैं ये हम 55 से 58 जो जोड़ होते हैं, 110 से 116 तक जो है हम ये बॉर्डर के फंदे डालते हैं। इस तरह से ये पूरी सिलाई हम ऐसे ही बनाएंगे। आगे की जो सिलाइयां हैं बॉर्डर की वो भी हम इसी तरह बनाएंगे, एक फंदा सीधा और एक फंदा उल्टा। अगर आपको मेरी ये वीडियो पसंद आए, लाइक शेयर और कमेंट करना ना भूलें।